फ्रेंड, मेरा नाम है प्रफुल्ल अग्रवाल। आप देख रहे हैं एफबीसी मूवीज। आज हम बात करेंगे कुछ दिनों पहले आए मोबियस मूवी के ट्रेलर के बारे में। इस मूवी में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मोबियस एक नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट होते हैं, पर उन्हें एक अलग टाइप की बीमारी होती है उनके ब्लड सैंपल्स में, जिस कारण वो एक नॉर्मल इंसान से अलग होते हैं। वो बीमारी ठीक करने के लिए बैक पे रिसर्च करना शुरू करते हैं और वो एक एंटीडोट बनाते हैं और अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो एंटीडोट का असर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक वैम्पायर बन जाते हैं। इस मूवी के ट्रेलर में हमें कहीं भी कोई विलन नजर नहीं आया है, पर ये मूवी सोनी स्टूडियो बना रहा है जिसने मूवी वैनम बनाई थी। वैनम मूवी में जिस तरह कोई सिम्पियोइडी विलन रहा था, इसी तरह हो सकता है इस मूवी में भी कोई वैम्पायर ही विलन के रूप में नजर आए, जो मॉबियस की तरह ही हो। साथ ही मूवी में हमें नज़र आया कि एक पोस्टर को देखिए, एक पोस्टर में स्पाइडरमैन को मर्डर कहा गया है, इस बात को यह इशारा करता है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद आने वाली मूवी है, क्योंकि हमने देखा था कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में मिस्टीरियो को एक एज ए हीरो बताया गया था जनता की नज़र में, पर वो एज ए हीरो नहीं था। आप जानते हैं उसने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी रिवील कर दी, उसके पूर्व ग्रेजुएशन में बताया गया था। तो हो सकता है ये उसके बाद की मूवी हो। साथ ही इस मूवी में हमें वर्चर भी नज़र आए हैं, वर्चर जो स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में एज ए विलन नज़र आए थे। तो और वो वर्चर डॉक्टर मॉर्बियस को ज्वाइन होने का ऑफर देते हैं कि वो उनकी टीम में ज्वाइन होए, तो ये डायरेक्टली रिंक करती है स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी सेमिटासिस की ओर, क्योंकि हमें तीन सेमिटासिस के मेंबर नज़र आए हैं, वर्चर, स्कॉर्पियन और डॉक्टर मॉर्बियस। तो ये मूवी आगे जाके रिंक होने वाली है स्पाइडरमैन की मूवी सेमिटासिस के सिस में। तीन कैरेक्टर जो अभी नज़र आने बाकी है वो है डॉक्टर ऑक्टोपस, राइनो और रिजर्ड। तो फ्रेंड, ये मेरी लेटेस्ट अपडेट थी मूवी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद।